अस्सलाम वालेकुम। वी कैप्चर न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर चंद नासिर हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों को परेशान किए जा रहे हैं। कर्नाटका की हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी भी हिंदुस्तानी को पहनने वालों को नहीं रोका जा सकता। यह चंद शरपसंद दूसरों के नाम पर अपनी कर्नाटका हुकूमत को यह चाहिए कि ऐसे बदमाश लोगों को गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सजा दे। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी हमेशा की तरह शरपसंदों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बीजेपी हुकूमत को चाहिए कि हिंदुस्तान का माहौल खराब ना करे। कैप्चर न्यूज़ देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कि आज हमारे मुल्क में, खास तौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहने हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम